बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं और वो खुशी की खबर जो है वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी अम्मी जान आई हुई हैं कुछ दिनों के लिए, मेरे पास रहने के लिए आई हुई हैं, और सिकंदर भाई जो उसे छोड़ने आए हैं और वो बैठे हैं किचन में मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। और अगर मैंने सोचा कि आज, वो हमेशा कहता कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मच्छी हम दोनों बहन भाई मिलकर पकाएंगे। तो आज हम पका रहे हैं मच्छी और आपसे भी शेयर करेंगे, और इसके अलावा और बातें भी हैं कुछ आपसे शेयर करें। तो भी बस इससे पहले कि हम किचन में चलें, मैं आपसे मेरी हमेशा आपके साथ गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमारी वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी आप कंजूसी करना शुरू कर देते हैं तो फिर मुझे आपसे कहना पड़ता है कि कंजूसी मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं किचन में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो खुशी की खबर है वो हम आपसे शेयर करेंगे, वो ये कि हमें यूट्यूब से तीन माह से तकरीबन पैसे नहीं मिल रहे थे और हमारा थोड़ा सा मसला चल रहा था। वो मसला क्या था वो भी हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि हमें कितने यूट्यूब से पैसे मिले हैं और कितने हमारे बाकी रह गए हैं। तो अभी हम चलते हैं किचन में और आप देखते हैं कि किचन में सिकंदर भाई क्या कर रहे हैं। सिकंदर भाई को आपने ठीक काम लगाया आज। एक तो ये आग बुझ जाती है, इसका क्या करना है। अभी मसाला जो है तैयार हो गया है, बाकी आधा रहता है। तो हमने स्पेशल इनके लिए डबरा मच्छी मंगवाई है और हम दोनों बहन भाई मिलकर पका रहे हैं। तो हम इसमें हमने मसाला तो तकरीबन भून लिया है, प्याज और घी में डालकर, और अब जो है इसमें डालेंगे हरा सूखा धनिया और लहसुन। लहसुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अब जनम मिर्च भी डाल देंगे, इसमें अब डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक जो है ऑलरेडी मच्छी में डालकर भुना जाता है, तो हमने मच्छी पहले से तल ली है। मसाला जो है बिल्कुल रेडी है, अब इसमें मच्छी छोड़ेंगे, इसमें तो आगे भी इसमें डाल लेंगे। जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मच्छी। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इसमें डालेंगे। डालेंगे छोड़ना और डालना, अब इसने कौन सा इसमें तैरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में जो है ना ये हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च इसलिए बाद में हम डाल रहे हैं क्योंकि ये जो अब आ रही है ब्रेड होती है, तो इससे वो जो है सालन जो है ना वो कड़वा हो जाता है, तो इसमें इसलिए जो है ना बाद में इसे जब पकने के करीब होता है तो उसको डाल देते हैं, जायका उसका अच्छा हो जाता है। बिस्मिल्लाह। वो सिकंदर भाई बना रहा है तो हम अपनी बात शुरुआत कर लेते हैं। तो बात यह है कि पहले मोहम्मद इब्रार का जो है आईडी कार्ड बना हुआ नहीं था और मैंने अपना आईडी कार्ड दिया और हमें वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे मिलते थे, लेकिन अचानक ही वेस्टर्न यूनियन पूरे पाकिस्तान में बंद हो गई और हमारा कोई अकाउंट अभी नहीं था शुरू, और ना मेरा अकाउंट बना हुआ था और ना ही मेरे बेटे का। तो लेकिन जो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे आते थे वो मेरे नाम पर थे, और हमारे हमें मसला इस वजह से पेश आया कि वेस्टर्न यूनियन जो है पूरे पाकिस्तान में बंद हो गई और हमें पैसे नहीं मिल रहे थे। हम बहुत परेशान थे कि अब हमें क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से हमने अपना अकाउंट जो है दोबारा से अप्लाई किया और अपना अकाउंट खुलवाया और मेरा अकाउंट जो है वो बन गया माशाल्लाह से, और आज जो है हमें पेमेंट कुछ मिली है तो हम आपको साथ शेयर करते हैं वो कि हमें कितनी पेमेंट मिली है। तो पेमेंट जो है हमें नहीं मिल रही थी और माशाल्लाह से आज हमारा अकाउंट जब बना है तो आज भी हमें पेमेंट बहुत कम मिली है, 25-30 हज़ार हमें मिले हैं, तो हम माशाल्लाह से अपना गुजारा चला सकते हैं और इंशाल्लाह बाकी की जो पेमेंट है वो अगले महीने इंशाल्लाह हमें मिलेगी और वहाँ वो जमा जब हो जाएगी तो वह हमें मिलेगी। पेमेंट जो मिलती है 21 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक मिलती है, लेकिन आज हमें मिली है आज 7-8 तारीख है ना,
तो आज 10 तारीख को हमें पेमेंट मिली है, 2 दिन पहले ही हमारे अकाउंट में जमा हुई और हमें कल उन्होंने कॉल की कि आपकी पेमेंट कुछ जमा हो चुके हैं, अगर आप लेना चाहें तो हम, तो आज हम गए और हमें थोड़ी सी पेमेंट मिल गई और माशाल्लाह से जिससे हम अपना गुजारा चला सकते हैं, और इसके अलावा इंशाल्लाह अगले माह हमें और पेमेंट भी मिल जाएगी। इसी खुशी में ही हम, मैंने जो, मैं और इब्राज जब शहर गए और सिकंदर भाई को साथ लेकर गए थे, तो वहाँ से हम मच्छी लेकर आए क्योंकि सिकंदर भाई ने फरमाइश की कि आज हम जाकर मच्छी खाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आपको भी खिलाएंगे और अम्मी जान भी आई हुई हैं तो हम मिलकर सब मच्छी भून कर आज मच्छी खाएंगे, तो इसलिए हमने आज मच्छी पकाई है। मच्छी जो है ना बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, जबरदस्त मच्छी की खुशबू आ रही है, आपको आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही। तो ये देख लें कि आपने अभी खाएंगे तो याद करिए जैसे आपने उस दिन पुलाव खाया था, तो ये मच्छी भी ऐसे ही बनी है, ये बिल्कुल रेडी है, अब तैयार हो चुकी है। अब इसे निकालेंगे और भाई सिकंदर भाई और अम्मी के ये देख रहे हैं कंटे कितने बड़े हैं, और भाई साहब मिलकर खाएंगे। मच्छी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त मच्छी बनी है। तो अभी जो है ना बिल्कुल रोटियां तिल लगाएंगे, तो उसके बाद जो है ना ये तैयार है। हम तो बस ये देखें मच्छी हम निकालेंगे, जो है ना ये मच्छी के जो है ना ये आप देख रहे हो कि कीमा क्यों बन गया है, ये हमने खुद बनाया है, क्योंकि हम वो जो पूरे पूरे बेरे होते हैं ना वो हम नहीं बनाते, यहाँ पर हम ये देसी तरीके से बनाते हैं ताकि वे मिक्स हो जाए, जैसे कढ़ाई गोश्त होता है वो मिक्स हो जाते हैं, कीमा बन जाता है, तो उसमें ये फायदा होता है कि जो ये इसमें कांटे वगैरह होते हैं तो वो जो है ना आसानी से चुनकर निकाल दिए जाते हैं, और फिर रोटी के साथ आराम सुकून से बैठ कर बच्चे भी खा सकते हैं और बुजुर्ग भी, तो इसी वजह से ये कीमा हमने खुद बनाया हुआ है, तो मुकम्मल हमने खुद नहीं तली इसको। अब देखते हैं इसे टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं कि देखते कैसी बनी है, बताना तूने बनाई तो मैंने है ना, आपने साथ दिया है मेरा, वो तो मैं मानता हूं कैसी बनी है। बहुत मजे की बनी है, बस है ठीक है, बट टेस्टी मच्छी बनी है, ठीक बनी है, VIP माशाल्लाह। बाबा भी आ चुके हैं और ये 2 दिन से लापता थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे, और आज आए हैं 2 दिन के बाद घर वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, नहीं नहीं पहले आप खाएं, आपने बनाई है, मैं तो चेक करूंगा, चेक करके बताना है आपके हाथ की, मुझे लग रही है बहुत अच्छी बनी है, जोर तो नहीं बोल रहा है, नहीं नहीं सही है ना, सही है, टिका टिका। तो अभी वैसे बाबर के चैनल को भी सपोर्ट करें, चौधरी बाबर के चैनल को, और उसकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देखें और इसे भरपूर तरीके से जो है उसका साथ दें, तो इसी के साथ हमारा भी आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहें जिस तरह आप हमारा साथ दे रहे हैं भरपूर तरीके से, माशाल्लाह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लोग को लाइक ज़रूर किया करें, और माशाल्लाह से हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने जी, तो व्यूअर्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।